अगर आपने भी 3 सालों का इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा किया है और आप सरकारी नौकरी के तहत जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूँ और ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। दरअसल यूपी ट्रिपल एससी ने ना जूनियर इंजीनियर के 4000 से ज्यादा पदों पर जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है और आपके पास 7 जून तक का टाइम है। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वेबसाइट दी हुई है वहां जाना है, अप्लाई करना है और सिर्फ 25 रुपए फीस देनी है और आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा की सैलरी मिलने वाली है, यानी कि डिप्लोमा वालों को भी 1 लाख से ज्यादा की सैलरी। सो क्या है इसका पूरा अपडेट, क्या है वैकेंसी की डिटेल, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपकी होस्ट आपके साथ और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आज जूनियर इंजीनियर की भर्ती। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर के पद पर तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upssc.gov.in यहां पर जाना होगा और जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 7 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सो आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जिन्होंने भी 3 सालों का इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा किया है और 4 सालों का जो ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में, वो दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर करना है कि आप जो एज लिमिट है ना उसको क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि आप 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा के नहीं हैं। अगर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी देनी है और फीस देनी है 25 रुपए। 25 रुपए सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, सो बहुत अच्छी भर्ती है और आपको फॉर्म भरने में भी ज्यादा चार्ज नहीं करना है। सो टाइम से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर पदों के लिए ना सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम देना होगा, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों ही कैंडिडेट्स को। रिटर्न एग्जाम में जो सिलेक्ट होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास उनका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा और वो यूपी में जो जूनियर इंजीनियर है उसके पद पर तैनात हो जाएंगे। सो अगर मैं आपको कहूं कि इतने में ही आपको खुश नहीं होना है, खुश तो आप तब होंगे जब आप सैलरी के बारे में जानेंगे। सो अगर आप जूनियर इंजीनियर के पद पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको 34,800 रुपए से 1 लाख से भी ज्यादा की बेसिक सैलरी मिल सकती है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके अलावा HRA, DA और जो दूसरे अलाउंसेस है, दूसरे पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वो तो सब आपको मिलेंगे ही। तो है ना बहुत अमेजिंग भर्ती, 4000 से ज्यादा पोस्ट भी हैं, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी तो वही 1 लाख से ज्यादा की है। सो आपको टाइम नहीं गंवाना है, आखिरी तारीख से पहले पहले यानी 7 जून से पहले पहले वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। और साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है ना या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर हमसे भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। ये भर्ती मेंस के लिए है, जिन कैंडिडेट्स ने PT निकाला है सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत, कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।